मंगल ग्रह पर कभी जीवन रहा होगा? ये सवाल हर किसी के मन में आता है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि मंगल पर कभी पानी के निशान थे। एक ऐसा ग्रह जो आज वीरान और बंजर दिखाई देता है, वह शायद एक समय पर जीवन से भरा हुआ हो सकता था। लेकिन सवाल यह है कि अगर वहां जीवन था तो वह कैसे और क्यों खत्म हो गया? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे कई दिलचस्प कारण हो सकते हैं। क्या मंगल पर जीवन का अंत धीरे धीरे हुआ या फिर यह एक बड़ा खगोलीय हादसा था? वायुमंडल का पतला होना मंगल ग्रह के जीवन के अंत का एक बड़ा कारण माना जाता है। कभी मंगल का वायुमंडल घना और जीवन के लिए अनुकूल था, लेकिन धीरे धीरे सौर हवाओं ने इसे छिन्न भिन्न कर दिया। मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया और यह अपने वातावरण को बचाने में नाकाम रहा। जब वायुमंडल पतला हो गया तो वहां जीवन के लिए जरूरी तत्व भी खत्म हो गए। क्या यह संभव है कि एक दिन मंगल का वायुमंडल फिर से घना हो सके? पानी का गायब होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय पर मंगल की सतह पर नदियां, झीलें और समुद्र हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वायुमंडल पतला हुआ, पानी धीरे धीरे अंतरिक्ष में वाष्पित हो गया या सतह के नीचे बर्फ में तब्दील हो गया। पानी के बिना जीवन की कोई संभावना नहीं होती। क्या मंगल के गहरे अंदरूनी हिस्सों में अब भी कहीं छुपा हुआ पानी हो सकता है जो जीवन का संकेत दे सके? मंगल का तापमान भी जीवन के अंत का एक बड़ा कारण हो सकता है। आज मंगल ग्रह का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है, जो जीवन के लिए बेहद ठंडा है। अगर कभी वहां जीवन था तो यह भीषण ठंड जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। क्या हम मंगल पर भविष्य में ऐसे तापमान को बदलने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं जिससे वहां जीवन की संभावना फिर से उत्पन्न हो? मंगल का चुंबकीय क्षेत्र भी जीवन के लिए एक सुरक्षा ढाल का काम करता था, लेकिन जब यह चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया तो मंगल ग्रह सौर विकिरण के सीधे संपर्क में आ गया। यह विकिरण मंगल के वातावरण और सतह पर जीवन के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। इस विकिरण ने जीवन के किसी भी संभावित रूप को पूरी तरह समाप्त कर दिया। क्या भविष्य में हम मंगल पर एक नया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं जिससे वहां जीवन की सुरक्षा की जा सके? मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधियों का भी जीवन पर गहरा असर पड़ा। प्राचीन समय में मंगल पर सक्रिय ज्वालामुखी थे जो वायुमंडल को बनाए रखने में मदद करते थे, लेकिन जब ये ज्वालामुखी शांत हो गए तो वातावरण को बनाए रखने का स्रोत भी खत्म हो गया। ज्वालामुखियों के शांत होने के बाद ग्रह धीरे धीरे ठंडा और बंजर होता चला गया। क्या मंगल पर फिर से ज्वालामुखी सक्रिय हो सकते हैं और ग्रह को जीवन के अनुकूल बना सकते हैं? सौर विकिरण ने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म कर दिया। जब मंगल का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया तो यह ग्रह सीधे सौर विकिरण की चपेट में आ गया। यह विकिरण इतना घातक था कि उसने जीवन के किसी भी रूप को विकसित होने का मौका नहीं दिया। क्या मंगल पर जीवन के लिए एक सुरक्षित वातावरण फिर से तैयार किया जा सकता है जो इस विकिरण से बच सके? हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक मंगल पर जीवन का कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया है, लेकिन वहां पानी के निशान, सतह के नीचे बर्फ और खनिजों की मौजूदगी हमें उम्मीद देती है। मंगल पर जीवन का अंत एक दुखद कहानी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही यह हमें जीवन की नाजुकता और उसकी अद्भुत संभावनाओं के बारे में भी बताती है।